जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट। जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें ONGC में जो वैकेंसी आई है, तो आप कैसे जो फॉर्म अप्लाई कर सकते, कितनी जो है पोस्ट है, कब से आपके फॉर्म होंगे स्टार्ट, तो आपके जो चलो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं सबसे पहले आपको इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी 64 पोस्ट जो है दी हुई है। तो आपका जो ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आपका जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है दिया हुआ है। तो आपकी जो है वैकेंसी आ चुकी है, तो आपकी 64 वैकेंसी इसमें दी हुई है जो मेरिट बेस पे आपकी होने वाली है। तो आपको क्या है इसमें नोटिफिकेशन पूरा जो है क्लियर हो चुका है, तो आपकी जो 23 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट होगी वो आपकी होगी 5 दिसंबर, और आपकी जो है डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन की लास्ट डेट होगी वो 12 दिसंबर ही हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी और आपकी जल्दी से जल्दी क्लियर होने वाली है। जो रिसीव कन्फर्मिंग फ्रॉम कैंडिडेट, तो आपके 10-13 से 19 दिसंबर के बीच में जो है आपका फाइनल हो जाएगा। तो आपका जो कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दी हुई है। उसके बाद क्या एज लिमिट की, तो आपके 18 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी 5 दिसंबर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है। तो 5/12/1994 से 5/12/2004 के बीच में आपकी एज है, तो आप जो है फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, तो उसके लिए आपके BA, BSc, BA और BBA जो है चल जाए। तो बैचलर डिग्री है, तो आप बैचलर डिग्री वाले ऑफिशियल असिस्टेंट के लिए डाल सकते हैं। उसका अकाउंटेंट की बात करें, तो बैचलर ऑफ डिग्री ग्रेजुएशन, ठीक है, आपकी BCOM होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए। उसका फॉर अदर ट्रेड्स ITI पास होना आपके लिए अति आवश्यक है, NCVT और SVTE से। तो आप वैकेंसी जो देख सकते हैं, आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपकी जो है 5 वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आपकी 5 है, कोपा के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 है, फिटर के लिए 7, मैकेनिस्ट के लिए 3 ऑफिस असिस्टेंट के लिए 14, अकाउंटेंट के लिए 7, वेल्डर के लिए 3। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी 64 है, आप अपना वैकेंसी जो है देख सकते हैं। उसका बात करें जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, तो BA, BCOM, BSc, BBA की 9000 वैकेंसी सैलरी होगी। तो ट्रेड अप्रेंटिस की आप जो है फर्स्ट ईयर ITI वालों की 7700 है, आपकी जो सेकेंड ईयर ITI की 8050 है। डिप्लोमा वालों के लिए आपकी 8000 सैलरी जो है फिक्स कर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट बेस पे होने वाला है। तो आपकी जो है मेरिट बेस पे आपका हाई स्कूल, इंटर, ITI जो भी आपका जो है सारी डिटेल जो है लगाने के बाद ही आपका मेरिट जो है तैयार होने वाला है। तो कैसे जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या है ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, apprenticeindia.org। तो आप वहां से जो है फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आप कैसे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देख के आप जो है फॉर्म अपना अप्लाई खुद ही कर सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।